दोस्तों नमस्कार, कृष्णा जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है भारत की प्रमुख दर्रा, और दर्रा को माउंटेन पास कहते हैं। यह टॉपिक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें भी जीके के क्वेश्चन आता है, जैसे पुलिस, दरोगा, एसएससी, रेलवे एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि दर्रा क्या होता है। तो दर्रा पहाड़ के बीच का जो रास्ता होता है उसे हम लोग दर्रा कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि बहुत बड़ा विशाल पहाड़ है, आप पहाड़ के इस साइड में हैं, आप इस ओर में हैं, आप दूसरे साइड में जाना चाहते हैं, तो पहाड़ घूम कर जाइएगा तो बहुत समय लगेगा। आपको मालूम होगा कोई कोई पहाड़ है जो हजारों किलोमीटर लंबाई में रहता है, तो वो जाना बहुत ही दुर्लभ काम है, या ऊंचाई से ऊपर चढ़कर भी जाना भी बहुत ही कठिन काम है। तो आप देखते होंगे बीच में सुरंग रहता है या रास्ता रहता है, ठीक है, बहुत ही संकीर्ण रास्ता रहता है या सुरंग रहता है, इसी को दर्रा कहते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत के प्रमुख दर्रा, और वो दर्रा है जो किस राज्य में है और उसका नाम क्या है। तो चलिए पहले हम लोग नक्शा बनाते हैं। हम नक्शा बना रहे हैं भारत का। यह जो आपका भारत का नक्शा है, और नक्शा पे बहुत ही आसानी से हम लोग दर्रा को याद कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे जम्मू कश्मीर से। अब आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया है। इस साइड का जो भाग है वो जम्मू कश्मीर का भाग है, इस साइड में जो भाग है वो जम्मू कश्मीर का भाग है, जबकि इस ओर का भाग है उसे हम लोग लद्दाख का भाग कहते हैं, ठीक है, लद्दाख का भाग कहते हैं। और ये जो भाग है वो चीन के कब्जा में है, और जिसे हम लोग अक्साई चीन कहते हैं। और ये जो भाग है इसे हम लोग पीओके कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत की जो दर्रा है वो कहां कहां और कैसे कैसे स्थिर है। तो मालूम होगा किस ओर से हिमालय पहाड़ है जो गुजरा है, कुछ ऐसे, ठीक है। तो जहां भी पहाड़ रहेगा वहां पे ही दर्रा का निर्माण होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर से। कहां से शुरू करना है, जम्मू कश्मीर से देखना है। तो चलिए, ये जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में जो दर्रा है, पहला दर्रा है उसका नाम है बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। और ये जो दर्रा है बुर्जिल दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। उसी तरह से दूसरा जो दर्रा है इसका नाम है बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, और बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। और ये जो दर्रा है वो इसे हम लोग जवाहर सुरंग भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा ऐसा दर्रा है जिसे जवाहर सुरंग, जवाहर टनल के नाम से जाना जाता है, तो ही बनिहाल दर्रा हो गया। आगे देखते हैं, आगे है आपका जो जिला दर्रा, कि जो जिला दर्रा भी आपका कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। उसी तरह से पीर पंजाल भी आपका जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में है। एक और महत्वपूर्ण दर्रा
जो कि लद्दाख साइड में है और उसका नाम है काराकोरम। तो ये जो लद्दाख का इलाका है यहाँ पे दर्रा है लद्दाख, यहाँ पे जो दर्रा है काराकोरम, काराकोरम दर्रा, और इस दर्रा है जो भारत का सबसे ही ऊंचा दर्रा है, लगभग इसकी लंबाई 5,500 मीटर है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में या लद्दाख साइड में आपको 5 दर्रा महत्वपूर्ण याद करना है। यदि इतना भी याद कर लिए तो प्राय एग्जाम में यही सबसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपको जम्मू कश्मीर में बता दिए बुरजिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और काराकोरम दर्रा। ठीक है, उसी तरह से जो हिमालय का पहाड़ कुछ इस तरह से आया है ऐसे 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 करते हुए, तो यहाँ पे है जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश इसे हम लोग HP, तो हिमाचल प्रदेश में देखिए कौन कौन सा दर्रा है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण दर्रा है वो 3 दर्रा है। बारा, पहला जो दर्रा याद रखना है बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा, ठीक है, बाड़ा लाचा दर्रा है जो कहां पे है आपका, तो हिमाचल प्रदेश में ये दर्रा है। ठीक है, उसी तरह से आपका जो अगला जो दर्रा है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, और इस दर्रा का नाम अटल बिहारी वाजपेयी दर्रा रख दिया गया है। एग्जाम में यदि पूछा जाता है इस दर्रा का नाम हाल ही फिलहाल में अटल बिहारी वाजपेयी दर्रा रख दिया गया है, तो कौन सा दर्रा है आपका, रोहतांग दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और तीसरा जो दर्रा याद रखिएगा उसका नाम है सिप किला दर्रा। ठीक है, सिर्फ जितने भी है जो हिमालय के पहाड़ में ही ये दर्रा है जो बना हुआ है, यहाँ पे आपका हो गया सिर्फ किला दर्रा। उसके बाद आइए तो ये जो इलाका है उत्तराखंड का है, उत्तराखंड, उत्तराखंड में आपको याद रखना है यहाँ पे भी 3 दर्रा याद रखना है, और उत्तराखंड में है माना दर्रा, माना, माना दर्रा, उसके बाद नीति दर्रा, ये नीति दर्रा भी उत्तराखंड में है, नीति, नीति दर्रा, और एक और याद रखना है लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा, और इसे आप किस तरह से भी याद रख सकते हैं, मन से लिख, यदि आपको ट्रिक चाहिए तो ट्रिक मन से लिख, हर एक का ट्रिक आप चाहिए तो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिपुलेख दर्रा। तो यहाँ पे उत्तराखंड में 3 दर्रा देख रहे हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। चलिए उसके आगे आते हैं, ये पार्ट हो जाता है सिक्किम का, ये जो पार्ट है वो सिक्किम का है, यहाँ पे लिखते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं सिक्किम। तो आप देखे थे जोजिला, जोजिला दर्रा है जो कहाँ में है, जम्मू कश्मीर में, लेकिन जयलेपला, जयलेपला दर्रा, जयलेपला दर्रा, जयलेपला दर्रा है जो सिक्किम में है, और साथ में नाथुला दर्रा, ये जो नाथुला सुरंग या नाथुला दर्रा भी आपका सिक्किम में है, नाथुला, नाथुला दर्रा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो है क्षेत्र है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश का, ये जो क्षेत्र है किसका है, अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश। चलिए यहाँ पे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में भी आपको 3 दर्रा याद रखना है। ठीक है, तो लिखिए यांगयाप दर्रा,
यांग याप दरा, ठीक है, यांग याप दरा है जो आपका कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, उसी तरह से दीफू दरा, दीफू दीफू दरा ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और तीसरा आपका बोमीडीला, बोमीडीला बोमीडीला दरा, ये सब दरा है जो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद देखिए तो ये क्षेत्र है आपका मणिपुर, ये आपका कौन सा है मणिपुर, और मणिपुर में मणिपुर और यहाँ पे तुर्ज दर्रा है, ठीक है, तुर्ज दर्रा, तुर्ज दर्रा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं तो आपका इस साइड में आते हैं तो इस साइड में आपका केरल है, ठीक है, यहाँ पे केरल है, केरल, और केरल में है जो पालघाट दर्रा है, केरल में जो पालघाट है, पाल घाट, और इस ओर है जो तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु है, तमिलनाडु, और तमिलनाडु में भोर घाट और भोर घाट, यहां पे आपको भोर घाट याद रखना है, और थाल घाट, ये थाल घाट, यहाँ पे आपको दो दर्रा, यहाँ पे जो पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे पलानी की भी पहाड़ है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं तमिलनाडु में थाल घाट और भोर घाट, और केरल में पाल घाट को देख रहे हैं, ठीक है। इस ओर देखिएगा तो नीचे में अंडमान निकोबार है, और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह जिसे हम लोग भारत का एक यूनियन टेरिटरी कहते हैं, यहाँ पे भी एक दर्रा है, तो अंडमान में आपको हो गया दक्कन दर्रा, अंडमान, अंडमान निकोबार में दक्कन दर्रा है, दक्कन दर्रा, ठीक है। उसी तरह से जब पाकिस्तान जाइएगा अब पाकिस्तान का महत्वपूर्ण दर्रा जो है इस ओर जो है पाकिस्तान है ना, इस ओर जो पूरा बेल्ट है वो पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान, और पाकिस्तान में खैबर दर्रा, कौन सा दर्रा है, खैबर दर्रा है, ठीक है। ये जो दर्रा हो गया खैबर दर्रा हो गया, उसी तरह से नीचे में आइएगा भारत के तो यहाँ पे श्रीलंका आ जाता है ना, श्रीलंका आ जाता है, और वहाँ पे एलिफेंटा दर्रा है। ये दर्रा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद करना है, प्रायः एग्जाम में इसी से क्वेश्चन बनते हैं, और इतना भी याद कर लिए तो आप समझ सकते हैं कि दर्रा पे आपकी अच्छी खासी पकड़ हो गया। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।